फवाद चौधरी को अचानक ग्रैंड नेशनल डायलॉग या फिर पीटीआई, इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान तलखियां और इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान तलखियां कम करने के ख्वाब क्यों आने लगे? फवाद चौधरी अपना जाती फायदा चाहते हैं या फिर उनके जरिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए या इमरान खान के लिए कोई खास पैगाम भिजवाया गया है? इस हवाले से इस्लामाबाद के सहाफी ईसा नकवी ने इस्लामाबाद की सूरत हाल वाज़ह कर दी है। उन्होंने बताया कि इस वक्त इलेक्शन की तरफ तो मुल्क जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कुछ देर लेट होंगे, यानी अगर नवंबर में नहीं होंगे तो मुमकिना तौर पर ये आइंदा साल के पहले हिस्से में हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो तैयारी की जा रही है वो पोस्ट इमरान सूरतेहाल की तैयारी की जा रही है, यानी एक ऐसा दंगल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें तमाम बड़े सियासी खिलाड़ी तो मौजूद हों लेकिन इमरान खान इस दंगल में मौजूद ना हों। अगर इमरान खान इस दंगल में, इस मैदान में मौजूद नहीं होंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी? फेवरेट पार्टी कौन सी होगी? इक्तदार में पार्टी कौन सी आएगी? बाकियों को मैनेज कैसे किया जाएगा? ऐसे कई सवालात और दीगर सवालों के जवाब ढूंढने की भी इस वक्त कोशिश की जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल में फवाद चौधरी के बयान को कैसे देखा जाए? फवाद चौधरी ने यह कहा कि मुल्क इलेक्शन की तरफ चला भी जाए तो बुनियादी मकसद तो ये है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो ताकि मुआशी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म किया जा सके। अब अगर इलेक्शन हो भी जाए तो उससे पहले अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और नवाज शरीफ के माबैन तलखियाँ ही कम नहीं होंगी तो फिर ऐसी में इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। ईसा नकवी कहते हैं दरअसल फवाद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर नहीं आए बल्कि वो अपने लिए पीटीआई में नरम गोशा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के हलकों में अब ये खबर गर्दिश कर रही है कि असद उमर और फवाद चौधरी पीटीआई में वापस जाना चाहते हैं। एक खबर ये भी गर्म है कि फवाद चौधरी ने जमान पार का चक्कर लगाने की भी कोशिश की लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। ऐसे में फवाद चौधरी के बयान को एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम से ज्यादा उनकी जाती सियासत और आइंदा के इलेक्शन की हिकमत अमली के तौर पर देखा जाए, क्योंकि अब वो खुद को कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं।